हरियाणा का स्मार्ट सिटी कहलाए जाने वाला फरीदाबाद के साथ पूरे एनसीआर क्षेत्र प्रदूषण के मामले में पूरी दुनिया में 10वें नंबर पर आया है, जिसके जिम्मेदार सड़क पर दौड़ रहे वाहन और यहां पर चल रही फैक्ट्रियां जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। वहीं आम जनता प्रदूषण से पूरी तरह से आहत है और अधिकारी अपने कार्यालय में बैठकर केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि सड़कों पर सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए वाहन और कंपनियों से निकलने वाले में उनके लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। प्रदूषण का असर हर वर्ग के लोगों पर पड़ रहा है और प्रशासन इस पर आंखें मूंद कर बैठा है। उनका कहना है कि सरकार को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं जी, इससे प्रदूषण से जी बीमारी बढ़ रही है, कुछ आंखों में दिक्कत होती है और चश्मे लगाने पड़ते हैं जी, और सांस वांस की बीमारी पड़ती है बनती है। और मैं ये चाहता हूं जी, हम सभी चाहते हैं कि विपिन गोयल जी इसके बारे में कुछ करें। मैं ये कहना चाहूँगा, ये प्रदूषण के हिसाब से जो है कि बीमारी अनेकों प्रकार की हो सकती है और इससे जैसे कैंसर हर एक बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और इसके लिए गोयल जी से बात हो जाए।